एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज द यूट्यूब। आपका स्वागत है मेरे आज के इस नए वीडियो में। आज के इस नए वीडियो में मैं लेकर आई हूँ एक और न्यू केयर पॉल्यूशन ट्यूटोरियल फॉर 2023, जो कि होने वाला है ग्लोबल लेवल पर, और इसे ऑर्गेनाइज कर रही है बिल एंटरटेनमेंट। इस केयर पॉल्यूशन का नाम है 2023 बिल एंटरटेनमेंट ऑडिशन। इस वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी व्हाट इज बिल एंटरटेनमेंट एंड देयर केप ऑफ आर्टिस्ट। इसके साथ साथ इस केयर पॉल्यूशन से रिलेटेड सभी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि ऑडिशन का पीरियड, रिक्रूटमेंट टारगेट, फील्ड ऑफ रिक्रूटमेंट्स, हाउ टू अप्लाई, प्रिकॉशंस टू टेक बिफोर अप्लाइंग फॉर ऑडिशन, नोटिफिकेशन फॉर एक्सेप्टेंस एंड वेयर टू अप्लाई फॉर द ऑडिशन, सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी ए टू जेड। तो इस वीडियो को आगे तक जरूर देखेगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टैप कर दीजिए बेल आइकन पर, ताकि जब मैं कोई नया वीडियो डालूं आपको पता चल जाए। और साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इससे मोटिवेशन बना रहता है। और साथ ही मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने में मदद कीजिए। और साथ ही आप मुझे फेसबुक पेज और मेरा इंस्टाग्राम पेज या यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं, ताकि आने वाले अपकमिंग केयर पॉडिशन के अपडेट्स, रिजल्ट अनाउंसमेंट के साथ साथ बीटीएस के अपडेट्स इन्फॉर्मेशन भी आपको वहाँ पे मिल सकते हैं। साथ ही आप लोगों के लिए मैंने काफ़ी प्लेलिस्ट भी बना रखी है केयर पॉडिशन ट्यूटोरियल्स में, आपको सारी केयर पॉडिशन मिल जाएंगे। उसके साथ साथ केयर पॉडिशन टिप्स में वो वीडियोज़ है जो आपको हेल्पफुल होंगी केयर पॉडिशन को पास करने में। और साथ ही एक प्लेलिस्ट है 24/7 ऑलवेज ओपन ऑनगोइंग ऑडिशंस, उसमें जितनी भी वीडियोज़ है उस केयर पॉडिशन के लिए आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। जब भी आप अवेलेबल हो, आपको लगता है आप प्रिपेयर है केयर पॉडिशन देने के लिए, तो आप उन सभी वीडियोस को देखकर आप किसी भी कोरियन एंटरटेनमेंट कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं 24/7। तो आप उस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लीजिएगा, और जब आपको लगता है कि आप ऑलरेडी प्रिपेयर है केयर पॉडिशन देने के लिए, तो आप उसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा। केयर पॉडिशन को पास करने में कुछ टिप्स एंड एडवाइस की जरूरत है तो ज्वाइंट मेंबरशिप में अपने यूट्यूब चैनल जेडीयू पर आपको केयर पॉडिशन के एडवाइसेस और टिप्स और केयर पॉडिशन के ट्यूटोरियल्स देती हूं। आई होप आप मेंबरशिप को ज्वाइन करें। ये मेंबरशिप ज्वाइन करके आपको काफी इंस्टेंट एक्सेस मिलेंगे, जो आपको हेल्प करेंगे आपको केयर ऑडिशन को पास करने में, ताकि आपका केयर आइडल बनने का सपना पूरा हो सके। मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, जैसे कि लॉयल्टी बेजेस, इमोजीज एंड पर्क्स, मेंबर ओनली चैट रूम्स। यहाँ पर सिर्फ जो मेंबर्स होंगे, जिनके पास मेंबरशिप होगी, उनके लिए एक अलग से चैट रूम बनाया जाएगा, जहाँ पे सभी आप लोग बात कर सकते हैं और अपनी वरीज को सॉल्व कर सकते हैं कंसल्ट करके। मेंबर ओनली लाइव चैट्स, जितने भी मेंबर्स होंगे जिनके पास मेंबरशिप होगी, उनके लिए एक लाइव चैट में ऑर्गेनाइज करूंगी कुछ टाइम में, ताकि वो लोग अपने से बात कर सकें, सभी आप केवल फ्रेंड्स हो सकें और अपनी जो बातें हैं अपने एक दूसरे से शेयर कर सकें। पर्सनल चैट्स, इसमें आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं अपनी वरीज और अपने जो भी आपको टिप्स चाहिए, कुछ भी ऑडिशन से रिलेटेड, ऑडिशन वीडियो से रिलेटेड सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। इसके साथ साथ वीकली और मंथली इवैल्यूएशन सेशंस, आपके ऑडिशन वीडियो और आपके ऑडिशन के डांस, सिंगिंग और फोटोज, उनके आप मुझे सेंड कर सकते हैं, ताकि मैं आपको इवैल्यूएशन कर सकूं, बता सकूं कि वो जो आपने फोटोज और वीडियोस बनाई हैं वो आपके जो ऑडिशन में अप्लाई करने के लायक है या नहीं है। अर्ली एक्सेस टू वीडियोस, जो मैं वीडियोस डालती हूं उस पर आपको अर्ली एक्सेस मिल सके, ताकि आप जल्द से जल्द अप्लाई कर सके, क्योंकि आप भी जानते हैं आजकल जो ऑडिशन होते हैं उनकी जो है जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 48 आवर्स का। आपको जल्द से जल्द अप्लाई करना होता है, क्योंकि आजकल सीट्स बहुत जल्दी फुल हो जाती है, इसलिए आपको जल्दी से जल्द पता चल सके कि किसका ऑडिशन हो रहा है, कब हो रहा है, तो वो आपको मिल सकती है एक्सेस पर भी। और साथ ही प्रायोरिटी टू कमेंट्स, क्योंकि जो भी ऑडिशन होते हैं वो ग्लोबल लेवल पे होते हैं, तो सभी लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं, इसलिए जो मेरे पास कमेंट्स आते हैं वो भी बहुत ज्यादा नंबर पे आते हैं, इसलिए मैं सिर्फ कुछ को ही रिप्लाई कर पाती हूँ और कुछ को नहीं रिप्लाई कर पाती हूँ। इसलिए अगर आपके मेंबरशिप होगी तो आपके जो कमेंट्स हैं उनको मैं प्रायोरिटी दूंगी और उन्हें सबसे पहले रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। आप लोगों की मेंबरशिप को ज्वाइन करने से जो सपोर्ट मुझे मिलेगा, ना कि सिर्फ आप बेनिफिट्स को रिसीव करेंगे, बट आप मेरी भी मदद करेंगे, ताकि ऐसे ही मैं यूट्यूब पर वीडियोस को क्रिएट करती रहूं और आपके केयर पॉडिशन का पास करने में और आपके केयर आइडल बनने का सपना पूरा होने में एक जरिया बन सकूं। सो ज्वाइन द मेंबरशिप नाउ। किसी भी कोरियन एंटरटेनमेंट कंपनी में ऑडिशन देने से पहले आपको उस कंपनी और उसके आर्टिस्ट के बारे में पता होना चाहिए। सो हु इज़ बिल एंटरटेनमेंट? बिल एंटरटेनमेंट एक साउथ कोरियन रिकॉर्ड लेबल है और एक एंटरटेनमेंट एजेंसी है, जिसको फाउंड किया गया था सीईओ चोई जे हो के द्वारा, और जिससे फाउंड किया गया था 2022 में। अगर बात की जाए इसके केओप आर्टिस्ट की, तो वो है जिन ह्योक, जो कि 2023 में ही इन्होंने अपना डेब्यू किया है और वो अभी भी एक्टिव हैं। येरिन भी 2023 में डेब्यू किया है और उसके बाद अभी भी एक्टिव हैं। उसके बाद है मिनसो, ये भी 2023 में इन्होंने डेब्यू किया और ये अभी भी एक्टिव हैं। तो देखा जाए तो ये एक नई नई कंपनी बनी है 2022 में ही, और इसके बहुत सारे वो केओप आर्टिस्ट और केओप ग्रुप्स को बनाने की सोच रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा मौका है आपको इस केओप पोर्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये कंपनी मानी जाती है, काफ़ी लाइव शोज कराती है, काफ़ी इसके लाइव म्यूजिक के लिए ये कंपनी जानी जाती है, जिसको आप अगर देखा जाए तो लोकल बैंड से लेकर पूरे लार्ज स्टेडियम तक के इसके परफॉर्मेंस होते हैं। काफ़ी इसके वेल नोन म्यूजिशियन भी माने जाते हैं। ये
काफ़ी तरह के कॉन्सर्ट्स और काफ़ी तरह के फेस्टिवल्स को भी प्रमोट करती है। काफ़ी परफॉर्मर्स जो होते हैं उस पर परफॉर्म करते हैं और जितने भी अटेंडीज होते हैं उन्हें काफ़ी अलग अलग तरह के म्यूज़िक स्टाइल्स को सुनने का मौका मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी कन्वेंशनल म्यूज़िक परफॉर्मेंसेज भी होती हैं और जो बिल एंटरटेनमेंट है वो काफ़ी तरह के डीजे सेट, कराओके और अदर इंटरैक्टिव म्यूज़िक एक्टिविटीज़ को भी कवर करता है। तो कुल मिला के ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, तो आपको इस कंपनी के लिए ऑडिशन ज़रूर देना चाहिए। तो चलिए चलते हैं हम ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ बिल एंटरटेनमेंट पर। तो देखिए आपके सामने ये जो ओपन हो चुका है, ये इंटरफेस दिया हुआ है बिल एंटरटेनमेंट का, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी इस के ऑफ ऑडिशन से रिलेटेड। तो सारी डिटेल्स मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करते चाहती हूँ, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट टारगेट ऑफ 2023 बिल एंटरटेनमेंट ऑडिशन। सबसे पहले अगर बात की जाए इस के ऑफ ऑडिशन में क्या ऑडिशन क्वालिफिकेशन है, ऑडिशन क्वालिफिकेशन मतलब ये होता है रिक्रूटमेंट टारगेट। तो पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर जेंडर का कोई भी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कि बॉयज और गर्ल्स दोनों ही इस के ऑफ ऑडिशन के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर नेशनलिटी का कोई बाउंडेशन नहीं है, यानी कि आप किसी भी कंट्री के हो कोई बाउंडेशन नहीं, भले आप इंडिया के हो, चाइना के हो, कोरिया के हो, कहीं के भी आप इस के ऑफ ऑडिशन पार्टिसिपेट कर सकते हो। बट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि आपका जन्म हुआ हो 2003 से लेकर 2011 के बीच में। इसका मतलब ये कि 2003 और 2011 वाले इस के ऑफ ऑडिशन पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, मगर जिसका जन्म सन है 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 और 2010 वो लोग इस के ऑफ ऑडिशन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट पीरियड ऑफ 2023 बिल एंटरटेनमेंट ऑडिशन। तो देखिए रिक्रूटमेंट पीरियड मतलब ही होता है ऑडिशन पीरियड, कब तक आप इस के ऑफ ऑडिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक तरह का रेगुलर रिक्रूटमेंट है, यानी कि ये रिक्रूटमेंट हमेशा चलता रहता है, ये बंद नहीं होता है। तो आपको जब भी लगता है आप इस के ऑफ ऑडिशन के लिए अप्लाई करने के लिए रेडी हैं तो आप इस के ऑफ ऑडिशन के लिए अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि ये ऑडिशन जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है, इसकी कोई लास्ट डेट नहीं है। तो आप जब भी रेडी हो इस के ऑफ ऑडिशन के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फील्ड ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ 2023 बिल एंटरटेनमेंट ऑडिशन। तो देखिए इस के ऑफ ऑडिशन के लिए उन्होंने 5 कैटेगरीज रखी हैं, वोकल, रैप, डांस, एक्टिंग और मॉडल। ये 5 कैटेगरी हैं, आप किसी एक कैटेगरी के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई फॉर 2023 बिल एंटरटेनमेंट ऑडिशन। तो देखिए इस के ऑफ ऑडिशन में अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब भी आप इस के ऑफ ऑडिशन के लिए अप्लाई करेंगे क्या क्या चीज़ें की रिक्वायरमेंट आपको होगी, पहले तो फुल बॉडी, अपर बॉडी, प्रोफाइल, लेफ्ट और राइट, फ्रंटल फोटोज शोइंग द फेस आर रिक्वायर्ड। सो आपको जो फोटोज, अलग अलग तरह के फोटोज अटैच करने होंगे, एक तो फुल बॉडी यानी सर से लेकर पैर तक, फिर अपर बॉडी जो कि होता है आपका सर से लेकर कमर तक, फिर होता है आपका प्रोफाइल, आपका जो फोटो आप खींचेंगे वो लेफ्ट साइड से राइट साइड से आपको फोटो खींचना होगा, एक फ्रंटल फोटो होता है वो आपका सर से लेकर चेस्ट तक का एक फोटो होता है। तो इस तरह से टोटल आप कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5 फोटोज आपको क्या करने होंगे, अटैच करने होंगे। दूसरी बात कर लेते हैं अटैच वीडियोज रिकॉर्डिंग ऑफ सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग और म्यूजिक फाइल्स, रिकॉर्डिंग सॉन्ग्स और रैप्स एक्सेट्रा। यानी कि आपको क्या करना होगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको आपकी वीडियो अटैच करनी होगी जिस कैटेगरी में आपने अप्लाई किया, फिर वो चाहे सिंगिंग हो, डांसिंग हो, एक्टिंग हो, म्यूजिक फाइल की रिकॉर्डिंग हो, सॉन्गिंग हो या फिर रैप हो। तो ये सब चीज़ों की आपको अपनी वीडियो अटैच करनी होगी एप्लीकेशन फॉर्म में। मैं आपको बताऊंगी कहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलने वाला है, तो वीडियो को आगे तक जरूर देखेगा। फिर आता है अगर आप ईमेल सपोर्ट की मदद से अप्लाई करना चाहते हैं या उनकी वेबसाइट से ऑनलाइन सपोर्ट से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको किस पर उन्हें ईमेल करना होता है, audition@billent.com पर आपको उन्हें ईमेल भेजना होता है और उसी ईमेल में आपको आपकी सारी डिटेल्स लिखकर भेजनी होती है और जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया आपके फोटोज और आपके वीडियोज को आपको उसके अंदर अटैच करके सेंड करना होता है। और जो ऑडिशन एप्लीकेशन फॉर्म है जिसके अंदर आपका कंसेंट टू कलेक्शन ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन और प्राइवेसी पॉलिसी पूरी दी हुई उस एप्लीकेशन फॉर्म में, तो वो आपको एक्सप्लेन करूंगी, तो आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मस्ट बी अटैच फॉर ईमेल एप्लीकेशन। जब भी आप ईमेल एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ईमेल के थ्रू अप्लाई करना चाह रहे हैं, तब आपको याद रखना है उसके अंदर आपको उस ऑडिशन एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट से मिलेगा, बिल एंटरटेनमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको उनका ऑडिशन एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। तो आप वहाँ जाके उन्हें डाउनलोड करके डायरेक्टली उस फॉर्म को फिल करिए और जब भी आप ईमेल से अप्लाई कर रहे हैं तो उस फॉर्म को अटैच करना ना भूलें। तो इस तरह से आपको अप्लाई करना होगा और ये सारी डिटेल्स लगेंगी अगर आपको अप्लाई करना है 2023 के इस बिल एंटरटेनमेंट ऑडिशन के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस टू टेक बिफोर अप्लाइंग फॉर 2023 बिल एंटरटेनमेंट ऑडिशन। तो देखिए इस के ऑफ ऑडिशन अप्लाई करने के पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला तो यह है प्लीज नोट दैट व्हेन अटैचिंग अ फोटो द एक्सटेंशन इज सेट टू जेपीजी, जी
PIF or PNG and photos edited with the Photoshop etc. or photos or videos in which the face is excessively covered with hands or clothes are not eligible for review. इसका मतलब ये है कि जब भी आप अपने फोटो को अटैच करेंगे इसके ऑडिशन में अप्लाई करने के लिए तो आपको याद रखना है आपके उस इमेज का जो फॉर्मेट है वो JPG, GIF या PNG फॉर्मेट में ही होना चाहिए. दूसरी चीज़, जो भी आप फोटोज अटैच कर रहे हो किसी भी तरह से एडिट नहीं होना चाहिए, ना ही कोई फोटोशॉप उसमें होना चाहिए. तीसरी चीज़, जो भी आप फोटोज़ और वीडियोस को अटैच करेंगे याद रखें उसमें आपके हाथ और पैर, आपका चेहरा क्लियरली साफ साफ दिखना चाहिए ताकि वो आपके वीडियो को रिव्यू दे सके, आपको देख चेक कर सके. सेकेंड चीज़ है, वेन अटैचिंग अ वीडियो प्लीज़ अवॉइड अपलोडिंग वीडियोज दैट आर आउट ऑफ फोकस एंड हैव पुअर साउंड क्वालिटी. जब भी आप वीडियो को अटैच करेंगे, आपके जो ऑडिशन की वीडियो का आप अटैच करेंगे, आपको याद रखना है आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसकी साउंड क्वालिटी अच्छा होना चाहिए और याद रखना है आपकी वीडियो ब्लर नहीं होना चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी दिखनी चाहिए ताकि वो आपके चेहरे को क्लियरली देख सके, आपके डांस मूव्स को क्लियरली देख सके, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को अच्छे से जज कर सके ताकि ओवरऑल आपकी वीडियो का वो रिव्यू दे सके. तो इन दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जब भी अपना फोटो और अपने वीडियो को अटैच कर रहे हैं तब. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर 2023 बिल एंटरटेनमेंट ऑडिशन. देखिए, नोटिफिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का मतलब है रिजल्ट अनाउंसमेंट. तो जो सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स है उन्हें कॉन्टैक्ट किया जाएगा इंडिविजुअली फोन नंबर के थ्रू या टेक्स्ट मैसेज के थ्रू. वो आपको अब जो है कॉन्टैक्ट करेंगे जो भी आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी होगी आपके एप्लीकेशन फॉर्म में उसके थ्रू. अगर आपको किसी भी तरह का नोटिफिकेशन नहीं आता है, किसी भी तरह का नोटिफिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं दिया जाता है फॉर मोर देन 4 वीक्स, यानी कि 1 महीने से ज़्यादा हो गया है आपको और फिर भी आपको किसी तरह का जो है मैसेज नहीं आया है, तो आप समझ जाइएगा कि आपका जो ऑडिशन है वो एक तरह का फेलियर रहा है, आपने इस के ऑडिशन को पास नहीं किया है. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वेयर टू अप्लाई फॉर 2023 बिल एंटरटेनमेंट ऑडिशन. तो देखिए, आपको कहाँ से इस के ऑडिशन के लिए अप्लाई करना होगा, तो कैसे करेंगे, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, जाना होगा आपको बिल एंटरटेनमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर. विल एंटरटेनमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप उनके पेज को एक्सप्लोर करेंगे, चेक करेंगे, तो आपको उस पेज के एकदम सबसे नीचे जाना है. तो देखिए, यहाँ पर आपको सारी डिटेल दिखेंगी जो मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस अभी एक्सप्लेन कर दिया है. एकदम लास्ट में आपको यहाँ पर एक बटन दिख रहा है अप्लाई फॉर द ऑडिशन, इस पर आपको क्लिक करना होगा और जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ऑडिशन जो है एप्लीकेशन का वो ओपन हो जाएगा. तो यही थी सारी इन्फॉर्मेशन 2023 बिल एंटरटेनमेंट ऑडिशन से रिलेटेड. नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं लाइव डेमो देकर बताऊंगा किस तरह से आप 2023 बिल एंटरटेनमेंट ऑडिशन का ऑडिशन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं, इसे आपको फोटोज और वीडियोस को अटैच करना होगा और साथ ही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कंसेंट टू पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड प्राइवेसी पॉलिसी भी. तो उस वीडियो को भी आप ध्यान जरूर देख लीजिएगा. होप आई आंसर्ड ऑल योर क्वेश्चंस वेल एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई मेक मोर अपडेट्स रिलेटेड टू BTS, K-pop, K-pop ट्यूटोरियल्स, K-pop टिप्स, लाइफ ऑफ K-pop ट्रेनिंग एंड आइडल एंड कोर एंड टाइम वीडियोस लाइक दिस. यू कैन चेक आउट माय प्लेलिस्ट ऑफ K-pop ट्यूटोरियल्स, K-pop टिप्स एंड 24/7 ऑलवेज ओपन ऑन गोइंग ऑडिशंस एंड ट्राई आउट एज मेनी ऑडिशंस एज यू कैन एंड दोज हू हैव क्यूरीज रिलेटेड टू वीडियो आस्क मी इन माई कमेंट बॉक्स. इफ यू लाइक्ड व्हाट यू सी देन मेक श्योर टू क्लिक द सब्सक्रिप्शन बटन, इट विल हेल्प मी टू ग्रो. ऑल्सो एनकरेज मी टू मेक मोर अपडेट related to BTS, K-pop, K-pop audition tutorials, K-pop audition tips, life of K-pop trainee and idol, and core entertainment videos like this in the future. And also, help me to complete 10,000 subscribers soon. Love you all, stay safe, see you guys on my next video. Thanks for watching, don't forget to subscribe to my channel, JITU, bye bye. Did anybody else?